नागपुर नगर निगम द्वारा शहर के बाजारों में रात में सफाई का कार्य करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नागपुर शहर के प्रमुख बाजारों जैसे सीताबर्डी, गांधीबाग, कॉटन मार्केट, धर्मपेट, सदर, खामला, कोतवाली बाजार, महल बाजार, शिवाजी स्टेच्यू, सक्करदरा और अन्य बाजारों में रात में दुकानें बंद कर मनपा द्वारा साफ सफाई की जा रही है। नगर आयुक्त राधाकृष्णन बी उनके निर्देशानुसार स्वच्छता विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों को नागरिकों का सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। शहर के बाजारों में दिन भर हंगामे के बाद रात में दुकान बंद होने पर दुकान के कर्मचारियों द्वारा सफाई कर कूड़ा दुकान के बाहर फेंक दिया जाता है। मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले नागरिकों को इस बर्बादी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसके समाधान के लिए नगर आयुक्त ने दुकानें बंद होने के बाद सफाई कर्मचारियों के माध्यम से बाजार को साफ करने का निर्णय लिया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस बड़े अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत नगर आयुक्त राधाकृष्णन बी उनके निर्देश पर नगर स्वास्थ्य विभाग दिन रात सफाई में रैंकिंग में सुधार के लिए काम कर रहा है। निगम के अपर आयुक्त राम जोशी ने कहा कि दिन में बाजार में भीड़भाड़, यातायात और अन्य कारणों से रात में सफाई करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए रात में सफाई का काम आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि रात में सफाई के लिए निगम द्वारा लिया गया निर्णय अच्छा है और इससे निगम के सफाई कर्मचारियों को दिन में सफाई करने में होने वाली असुविधा कम होगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज, नागपुर। Thank you.